नमस्कार दोस्तों, रिपेयरिंग विथ निरंजन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हम एक मिक्सर मशीन का मोटर में बूस्ट को चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करते हैं मैं भी आपको बताता हूँ। जैसा कि मोटर आप देख सकते हैं, तो यह मोटर हमारा ख़राब है। देख सकते हैं मोटर का जो फील्ड आर्मेचर सारा कुछ ख़राब हो चुका है। और एक जो है मेरे पास यह मोटर, इसका सारा कुछ सही है, तो इसका ख़राब है सिर्फ यह बूस। देख सकते हैं यह बूस ख़राब है। इसी टाइप का इस बूस में यहाँ से खराबी देख सकते हैं। मैं आपको हिला के दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से ढक 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 कर रहा है। चलाने से बहुत आवाज़ होता है। और इसका जो बूस, यह पुराना है लेकिन इसका बूस सही स्थिति में है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यह मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यह है 600 वाट का और यह है 750 वाट का। लेकिन इसका जो यह पार्ट है, इस पार्ट को हम इस पार्ट में डालेंगे और इसे हम सही कर लेंगे। तो फटाफट अभी हम एक दूसरे का पार्ट को इधर उधर करके इसे हम चालू स्थिति में करते हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहे। तो दोस्तों अभी मैं इसे चला के दिखाता हूँ कि कितना यह आवाज़ करता है। तो इस तरह हमने प्लग लगा दिया है। ठीक है, इसे बंद करते हैं और इसका जो मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से चलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से है। इसका बूस मार खा चुका है, इसलिए ढक ढक हिल रहा है। तो अभी हम, यह भी हमारा पुराना है लेकिन इसका बूस सही है, तो हम इस सेट को इसमें डालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तरह का 8 नंबर का हम रिंच ले लिए हैं, देख सकते हैं। तो इसे हम खोल के पहले निकालेंगे इस भाग को। ये देख सकते हैं इस तरह से हम इसे खोलेंगे। और हमें पूरा खोलने की आवश्यकता नहीं है, बस एक पार्ट को खोलेंगे इस तरह से। और हम इसमें नया बूस नहीं लगाने जा रहे हैं, हमारे पास पहले से इस तरह का जुगाड़ मिला है, तो भाई हम उसी को उपयोग में लाएंगे। क्योंकि मैं किसी भी इस तरह का जो खराब पार्ट्स रहते हैं उसे फेंकता नहीं हूँ। कभी भी इसका ज़रूरत हमें कहीं ना कहीं किसी रूप में पड़ ही जाता है। तो पहले भी हम इसे खोल लेंगे फटाफट। पूरी तरह से खोल लेंगे। एक खुल चुका और इधर भी हम इस तरह से खोल लेंगे। इसे खोलने के बाद हम इस तरह से इसका जो बोल्ट है इसे हम निकाल लेते हैं और इसका इस पोर्शन को हम निकाल लेते हैं। इसका बूस खराब हो चुका है, तभी हम दूसरा इसका पार्ट भी खोलेंगे और इसमें डालेंगे। तो इसे हम तत्काल इस तरह से रखते हैं कुछ देर के लिए, फिर हम इसे भी खोलते हैं। तो इसे भी खोलने के लिए हमें उसी स्थिति से गुजरना पड़ेगा, इस तरह का देख सकते हैं। इसे पकड़ बनाएंगे और यहाँ से खोलेंगे। ये देखिए, ये हमारा 8 नंबर का गोटी रिंच है। ये देखिए एकदम आसानी से खुल गया। तो इस तरह मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप कभी इस तरह का अगर आवाज़ करता है मोटर, तो समझिए इसका बूस खराब है। तो ऐसी स्थिति में आप नया बूस खरीद के डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो अभी है, तो मैं बूस डालने का भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो तत्काल मैं इस तरह का
सेट को ही मैं डाल देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं, इसे मैं साइड में रखता हूँ और इसे निकाल लेता हूँ। तो इसका बूस हमारा एकदम मस्त सही है, तो हम इसे इसमें डाल देते हैं। तो इस तरह से फिर से पकड़ेंगे इसे हम और इसमें इसे हम डाल देते हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी आसान है इसे डालना, वैसे मुश्किल वाली कोई बात नहीं है। देखिए इसका बूस इतना माने कि हार्ड है कि सही से जा नहीं पा रहा है, यहाँ देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे हम फाइल मार देंगे इसे, ताकि हमारा जाए। ये हम थोड़ी सी इसे वॉइलिंग भी कर लेते हैं, एकदम थोड़ी सी, ताकि हमारा आसानी से यह चला जाए इस तरह से। देखिए काफ़ी जंग लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा हो, इस तरह से निकल रहा है। देखिए अगर इतना हमारा यह अंदर चला जाता है तो ठीक है, और नहीं तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी से हम घिस देंगे सिरस पत्ता से, इस तरह का छोटा छोटा जानकारी से हम बड़ा बड़ा बचत कर सकते हैं दोस्तों। अब हम एक बार इसे डाल के देखते हैं। हाँ इस तरह से हमारा अभी अंदर की ओर आसानी से लगभग लगभग चला ही गया। ये देखिए इसे थोड़ी सी हम ठोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए इस तरह से हम, हमारा यह बूस जो है आवाज़ नहीं करेगा क्योंकि वह टाइट फिटिंग गया। अब हम फटाफट यह जो बोल्ट जो हम यहाँ से निकाले हैं उसमें हम डाल देते हैं। इस तरह से देख सकते हैं सेंटर को अच्छी तरह से मिला लेंगे और यह छोटा बोल्ट है क्योंकि हमारा वो 600 वाट था और ये हमारा 750 वाट है, तो इसका लंबा बोल्ट है, तो हम बोल्ट में ध्यान देंगे, जो इसका बोल्ट है हम उसी को डालेंगे। तो इस तरह से और इसे हम इस तरह से टाइट कर लेंगे, ये देख सकते हैं। और दूसरे साइड भी हम इस तरह से फंसा लेंगे, ये देखिए। अब बराबर बराबर कसेंगे इसे हम, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये सब बहुत बड़ा काम नहीं होता है। आप भी से इस तरह का काम अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं।
हम इस तरह लोहे पे चोट कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। एल्युमिनियम में चोट करेंगे थोड़ा समझ के, क्योंकि एल्युमिनियम हमारा टूट सकता है। अब बीच बीच में हम इस तरह से देख सकते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन उसे भी हम सेटिंग कर लेंगे। हम इसे मिला लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, तो इसे हम थोड़ा थोड़ा लूज करेंगे, या इसे हम यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं। तो तत्काल तो थोड़ा थोड़ा लूज कर लेते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे हम ऑयलिंग दे देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, इस तरह से। और हम इसे थोड़ा सा घुमा के देखते हैं, तो ये हमारा काफ़ी वैसे तो टाइट हो चुका है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे खोल के हम यहाँ से सेटिंग करेंगे। तो कैसे सेटिंग करते हैं आप देखिए, इसके लिए हम इसे इस कवर में रखते हैं, और इस तरह से रखते हैं। अब क्या करेंगे, एक सलाई रिंच लेंगे और इस नट को हम ढीला करेंगे इस तरह से। तो हमने इस तरह का सलाई रिंच ले लिया है, अब इसे हम ढीला करेंगे थोड़ा। ये देखिए हमारा ढीला हो गया, थोड़ा सा हम इसे हम फिर थोड़ा सा लूज करेंगे, यह देख सकते हैं इस तरह से। इतना में करके देखते हैं, अब हम देखते थोड़ा यह हमारा फ्री हुआ या नहीं। तो इस तरह देख सकते हैं हमारा फ्री हो चुका है, ये देखिए। यह हमारा फ्री हो चुका है, ये देखिए। थोड़ा सा ज़्यादा फ्री हो चुका है, तो हम थोड़ा सी से फिर से कस देंगे। इससे पहले हम एक बूंद ऑयल यहाँ भी डाल लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे ऑयल नहीं पड़ा है, तो बहुत ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, सिर्फ एक बूंद। इस तरह से हम एक बूंद डाल दिए हैं, और इसे हम इस तरह से कस देंगे। अब हम इसे टाइट कर देते हैं अच्छी तरह से। एक बार हमारे इसे चला के देखते हैं इस तरह से प्लास से, तो हमारा एकदम फाइनली फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। तब हम इसे पूरी तरह से लॉक कर देंगे। इसे लॉक करने के लिए इस तरह से रखेंगे, और ऊपर से इस पेचकस से हम पेचकस इसी तरह से रहेगा, और इसे हम टाइट करेंगे इस तरह से, देख सकते हैं इस तरह से हमारा पूरी तरह से टाइट हो चुका है। ये देखिए हमारा फ्री है। अब हम इसे चला के देखते हैं, चलाने के क्रम में हमारा आवाज़ करता है या नहीं। तो थोड़ा सा हम इसे फिर से प्लास से पकड़ लेंगे काफ़ी ज़ोरों के से, इस तरह से ये हम पकड़ लेते हैं इस तरह से, और इसका जो पावर सप्लाई हम देते हैं ये पावर सप्लाई देते हैं। अब हम इसे चालू करके देखते हैं कि हमारा आवाज़ कुछ
सुधार हुआ या नहीं। हमारा आवाज काफी सुंदर हो गया दोस्तों, काफी सुंदर आवाज निकल रहा है। तो इस तरह हम आसानी से इस तरह के काम को कर सकते हैं। अब हम इसे फटाफट इस कवर में पैक कर देंगे। इस तरह दोस्तों आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।